जमशेदपुर के एक्सएलआरआई कॉलेज के तत्वावधान में स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से एक्सएलआरआई कैंपस में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों के कई स्कूलों से प्राचार्य शामिल हुए। इस कार्यशाला में देश भर के कई दिग्गज शिक्षाविद शामिल हुए, जिनके द्वारा गुणात्मक शिक्षा के कई टिप्स स्कूल के प्राचार्यों को दी गई। आयोजकों के मुताबिक स्कूली शिक्षकों द्वारा केवल बीएड कर लेने से ही एक अच्छे शिक्षक नहीं बन पाते हैं, बल्कि प्रत्येक दिन अपनी शिक्षण शैली में नए चीजों को शामिल करने से ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सकता है और इसका सीधा फायदा उन शिक्षकों के छात्रों को भी मिल पाएगा। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी श्रीमती रुचि नरेंद्रन उपस्थित थी। चल रही है एजुकेशन के ऊपर कि किस तरह हम एजुकेशन को और इंडिया के हर एक कोने में फैलाएं और ये इंश्योर करें कि सभी तरह के बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, और इसके लिए अध्यापक और अध्यापिकाओं का ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर हम बीएड कर लिया हमने या टीटीई कर लिया तो इससे हम अच्छे टीचर बनने के लायक नहीं होते हैं। एज अ टीचर हमें कंटिन्यूसली अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो कोलोकियम हो रहा है, इसमें हमने एजुकेशनिस्ट्स को बुलाए हैं जो फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आए हैं, दिल्ली से आए हैं, चेन्नई से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, बहुत सारी जगह से आए हैं। तो इन ये सब बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिन्होंने कुछ नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किए हैं। तो एक दिमाग से अच्छा है 50 दिमाग, तो सब मिल के अगर एक प्रॉब्लम को अटैक करें तो हो सकता है कि कुछ अच्छे सॉल्यूशंस मिल जाए। तो यही आज का हमारा मीटिंग का एम है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत ड्रैगनल रोड के पास निर्माणाधीन भवन में एक युवक का शव शनिवार को बरामद किया गया। शव मिलने की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वैसे आपको बता दें कि ये भवन कौशल सिंह नामक बिल्डर द्वारा बनाया जा रहा है। हालांकि इस भवन को पूर्व में ही जमशेदपुर अक्षेत्र विभाग द्वारा सील कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये कार्य निरंतर जारी रहा। शनिवार को सुबह बिल्डिंग में शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है तथा मामले को दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमें भी पता चला है, उसी पर मैं अपनी टीम के साथ आया हूं। यहां पर ज्ञात हुआ है कि जेनेसी के द्वारा इस बिल्डिंग को सील किया गया है। इसका बिल्डर कौशल सिंह है जो सीएच एरिया में रहता है, और इसके बेसमेंट में पानी जमा है। यहां पर ना कोई गार्डवाल है और ना ही कोई गार्ड रहता है, ना ही इसमें लाइटिंग की कोई व्यवस्था है, लेकिन काम चालू है। सीमेंट बना हुआ है ऊपर छत पे। स्पष्ट है कि अगर जेनेसी के द्वारा सील किया गया है तो उस जेएनएसी के आदेश का उल्लंघन बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है, और अगर हो सकता है हत्या हो या पैर फिसल कर गिरा हो, दोनों ही स्थिति में बिल्डर की घोर लापरवाही इसमें। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा मानगो क्षेत्र में हो रहे बिजली की समस्याओं को लेकर विभाग कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया तथा विभाग की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के उपरांत इन्होंने विभाग के एसडीओ को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें बालीगुमा ग्रिड को चालू करने, रैयती जमीनों के ऊपर से ग्रिड के तार को हटाए जाने, ट्रांसफॉर्मरों के मरम्मतीकरण करवाने, पुराने तारों को बदलवाने, बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चालू करने आदि मांगे शामिल की गई है। वहीं इन्होंने मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मांगो क्षेत्र का जो बिजली का समस्या है, लोड शेडिंग है, बहुत जगह तार झूल रहा है, बहुत जगह जो है ना तो रिपेयरिंग करना है, बिलिंग सही से नहीं है, ये सारे 12 समस्या को लेके हम लोग एसडीओ को मेमोरेंडम दिए। लेकिन एसडीओ का जो है ना व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। ये कौन सा अधिकारी है समझ में नहीं आता, बातों बात में मतलब उल्टा सीधा करते हैं। इसका शिकायत हम लोग ऊपर तक करेंगे, एसडीओ साहब को भी पास में शिकायत करेंगे हम लोग का। और जो है ना हम लोग 15 दिन का समय दिए हैं, समय के अंदर में हम लोग जो 12 पॉइंट है उसमें अगर कारगर नहीं होता तो फिर हम लोग प्रदर्शन करेंगे।
जमशेदपुर की सामाजिक संस्था जागो जमशेदपुर जागो के तत्वावधान में आगामी 1 मई को मानपुर क्षेत्र के निवासियों के लिए मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी गई। ये कैंप जागो जमशेदपुर जागो तथा ब्रह्मानंद अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में दाईगुट्टो शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। 1 मई मजदूर दिवस होने के कारण इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मजदूर वर्ग को मिल सके। भाजपा नेता विकास सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उस दिन सारे मजदूर की छुट्टी रहती है, इसलिए हम लोग दाईगुट्टू पुराना शिव मंदिर में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं जो पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इस शिविर में प्रमुख भूमिका के रूप में ब्रह्मानंद सेवा सदन, जो ब्रह्मानंद मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां के लोगों के सहयोग से यह शिविर लग रहा है। इसमें लगभग दर्जनों डॉक्टर, एमएस और एमडी लेवल के डॉक्टर इस शिविर में आएंगे और जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, रोज गरीब गुरबे लोग हैं, उसको हम मुफ्त में इलाज करेंगे। और ये लगातार हम लोग का रिले कार्यक्रम चलते रहेगा, जितने भी स्लम बस्तियां हैं उसमें हम लोग ये शिविर लगातार हम लोग हर 15 दिन 10 दिन में लगाने का काम करेंगे। और मान लीजिए वहां कोई अगर जटिल बीमारी वाले लोग आते हैं, जिसको वहां के डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, यह बीमारी एक दिन में नहीं ठीक होगा, इस बीमारी का इलाज हायर सेंटर में होगा, तो हमारा जो संस्था है जागो जमशेदपुर जागो, साथ ही जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सांसद महोदय, इन लोगों के सहयोग से हम लोग तुरंत बिना विलंब किए उस गरीब मरीज का हम लोग हायर सेंटर में भी इलाज कराने का व्यवस्था करेंगे, यहाँ के डॉक्टर रेफर करेंगे। तो सरायकेला जिले से सटे जमशेदपुर स्थित खरकाई नदी के तट पर अवैध रूप से बने स्क्रैप टाल में आज तड़के अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वैसे एक बड़ा हादसा होते होते यहां टल गया। आपको बता दूं कि इस टाल के ठीक बगल में इंडियन ऑयल का एलपीजी गोदाम है, जिसमें सैकड़ों सिलेंडर रखे हुए थे। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और गैस गोदाम में आग बुझाने के उपकरण से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं लगभग आधे घंटे बाद टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। वैसे ये आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन स्क्रैप चाल संचालक का मानना है कि बगल के ही बस्ती के किसी शरारती तत्वों ने आग लगाई है। वैसे आग से लाखों के स्क्रैप स्वाहा हो गए। नुकसान तो अच्छा खासा हुआ है, प्लास्टिक प्लास्टिक खासा सब जल गया है। सब लोग क्योंकि यहाँ पर गैस गोदाम के पास आग लग गया है, पैसे लगा जस्ट तुरंत मिला, 5 मिनट मिला, बस कोई खास टाइम नहीं हुआ है, 10-5 मिनट हुआ है, सूचना मिला है, वायरलेस किया है कंट्रोल को, हम लोग PCR और विश्वपुर हम लोग पहुंचे हैं, मदद कर रहे, देख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ उसमें तो ऐसा बोरा पत्थर रहे तो होता नहीं, इसको कीमती सामान तो है नहीं भाई, तो ये तो अवैध क्या बोल सकते हैं। आदितपुर रेलवे कॉलोनी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोगों को रेलवे तो पानी नहीं पिला सकी, लेकिन नगर निगम की ओर से कल से दिन में 3 बार टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे बस्ती वासियों ने राहत की सांस ली है। आदितपुर रेलवे कॉलोनी में पेयजल संकट गहराया हुआ है, बस्ती वासी त्राही मांग कर रहे हैं। एक ओर रेलवे ने 2 दिन पहले ही ये कहते हुए बस्ती वासियों को शांत कराया था कि जुस्को की ओर से रेलवे बस्ती में पानी सप्लाई कराएगी, पर रेलवे की बात झूठी निकली। अंततः सरकारी इकाई नगर निगम की ओर से ही पार्षद पांडे मुखी की तत्परता के कारण दिन में 2 बार बस्ती में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। रेलवे ने तो मदद नहीं की, पर नगर पार्षद पांडे मुखी की पहल से रेलवे कॉलोनी में फिलहाल पानी का टैंकर पहुंच रहा है। बहुत परेशानी है, देख रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। ये पानी कहाँ से आपको मिल रहा है? ये हम लोग वार्ड परिषद से आ रहा है, नगर परिषद। डेली आता है? कभी कभी आता है, डेली है लगभग। हम लोग को पानी नहीं मिलता है, अरे दोपहर हम लोग सुबह से लाइन लगा के रखते हैं, अभी हम लोग को पानी मिल रहा है। कितने बजे सुबह से लाइन लगाते हैं? सुबह हम लोग 8-9 बजे से पानी लगा के रखते हैं। कौन सा जगह है ये? कौन सा जगह है ये? रेलवे कॉलोनी। रेलवे तो अपना काम कर रही है, रेलवे अपना डीप बोरिंग बैठाई, तत्काल अभी एक तो बैठाई है, उसका पाइपलाइन का काम वो कब पूरा होगा, और पानी का संकट तो अभी तक बरकरार है। अब उनका जो अल्टीमेट है बोले हैं कि जिसको से बात करेंगे, ये प्रक्रिया में लगा हुआ है। फिर भी मैं अपना जनप्रतिनिधि होने का नाता, मैं यहाँ पर 400 रेलवे क्वार्टर है, मेरे से मेरे नगर परिषद का टैंकर से जो बन पड़ रहा है
सबको दो चार दस बाल्टी करके पानी घर घर हम वितरण करा रहे हैं। अगला साल भी किए थे, इस साल भी कर रहे हैं। कितने देर करते हैं ये? अभी हम सुबह 7 बजे से चलाते रहकर करीब करीब रात का 8 बज जाता है बढ़ते बढ़ते। भरत सिंह फैंस क्लब जमशेदपुर के तत्वावधान में शनिवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता भरत सिंह खुद उपस्थित थे। सभी ने हाथों में मोमबत्ती लेकर तथा मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान इन्होंने भाजपा के सांसद तथा फिल्म अभिनेता स्वर्गीय विनोद खन्ना को भी याद किया। बातचीत के क्रम में भाजपा नेता भरत सिंह ने बताया कि सुकमा में जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत के समक्ष पूरा देश नतमस्तक है और केंद्र सरकार को चाहिए कि इस दुख की घड़ी में इन्हें हर संभव मदद करे। वहीं इन्होंने भाजपा सांसद तथा फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना के मौत पर कहा कि भाजपा तथा फिल्म जगत दोनों के लिए ही बहुत बड़ी क्षति है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मारे गए सीआरपीएफ के 25 जवानों के प्रति आज हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन्हें, और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके परिवार वालों को नौकरी के साथ साथ उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ नक्सलवाद के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के 4 बार से सांसद रहे विनोद खन्ना जी के प्रति भी हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने अभिनेता के तौर पर फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना एक अलग पहचान बनाई और बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। आज वो हमारे बीच में नहीं होते भी हमारे बीच में, साथ ही साथ मनोज पाठक जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के टेलको के मंडल अध्यक्ष थे वो भी आज हमारे बीच में नहीं होंगे। हमसे भी लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करने की इससे कामना करते हैं। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले में इन दिनों पानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। कोई पानी के लिए आंदोलन कर रहा है तो कोई पानी के तरीके को लेकर आंदोलन कर रहा है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, हमने अपने चैनल पर आदतपुर रेलवे कॉलोनी की महिलाओं को पानी की समस्या को लेकर आंदोलन करते दिखाया था। हमने दिखाया था किस प्रकार पानी को लेकर महिलाएं उग्र होकर आदतपुर रेलवे स्टेशन में पहले तोड़फोड़ और उसके बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था, जिससे हावड़ा मुंबई मेन लाइन करीब 4 घंटे तक प्रभावित रहा। इस दौरान दर्जनों ट्रेनें भी प्रभावित हुई। खैर, रेल प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए टैंकर से जलापूर्ति करते हुए डीप बोरिंग का काम भी शुरू करवाया। उधर जैसे ही डीप बोरिंग का काम शुरू हुआ, रेलवे कॉलोनी से सटे बस्ती वासियों ने विरोध भी शुरू कर दिया। बस्ती वासियों का कहना था कि डीप बोरिंग से उनके घरों के चापाकल सूख जाएंगे। अब रेलवे प्रशासन के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए टाटानगर से रेल सुरक्षा बल के वरीय अधिकारी अतिरिक्त बलों के साथ मौके पर पहुंचे। उधर बस्तीवासी और उग्र रूप अख्तियार करने के मूड में नजर आ रहे थे। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने बोरिंग का लाभ बस्तीवासियों को भी देने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद बस्तीवासियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। साथ ही साथ वायदा खिलाफी की सूरत में और भी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी। पानी का समस्या के चलते रेल प्रशासन ने अरेंज किया है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था करे, जिससे रेल कर्मचारी जो कॉलोनी में रहते हैं उनको पानी का समुचित प्रबंध हो सके। ये अगल बगल रहने वाले लोग हैं जिनको पानी की आवश्यकता है, जिन लोग भी अपनी समस्या को लेकर के आंदोलन करते रहते हैं, तो हम लोग सहानुभूतिपूर्वक इनके बातों पर गौर करने के लिए हम लोगों ने कहा है और ये बात तो रेल प्रशासन के पास भी रखेंगे कि पानी की समस्या किसी को न हो, इनको भी थोड़ा पानी मिल सके। तो ये बात हम लोग रेल प्रशासन के पास रखते हैं, हम लोग व्यवस्था कराएंगे जिनको सुविधा न हो, किसी को सुविधा न हो, रेलवे कर्मचारी को सुविधा हो न हमारे जो गरीब लोग हैं, इस चीज को हम विचार करेंगे। रेलवे का बहुत बड़ा समस्या था, इसी से एन साहब का बहुत एक्टिव है, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत एक्टिव का काम किए हैं। उनको हमारा रेल कॉलोनी की तरफ से जितना भी धन्यवाद है वो कम होगा। और अभी हम लोग तत्काल वो टैंकर से पानी दे करके रेल कॉलोनी में दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जो 7 मिनट मिलता था 20 मिनट करीब करीब मिल रहा है। हमारे वाड़े के हैं और बस्ती के लोग हैं, उन लोग का कुछ लोग का कहना है कि हमारा बोरिंग सूख जाए, इसलिए उन लोग का कहना था, इस चलते उन लोग का विरोध। मगर ये तो रेलवे का अपना प्राइवेट है और यहाँ 400 क्वार्टर है, उन लोग भी पानी के लिए तरस रहा है, उनको भी इम्पोर्टेंस देते हुए इसे रेलवे तो मैं हमारे ऊपर केस किए हुए हैं कि पानी का रेलवे को पानी दिलाने के चलते रेलवे हमारे ऊपर केस किए हुए हैं।
गोविंदपुर स्थित डिस्पेंसरी मोड़ के समीप शिव शंकर लाल दास के घर पर शनिवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर में कोई भी उपस्थित नहीं था। घर में आग लगी के कारण निकलने वाले धुएं से आस पड़ोस के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली। पहले पड़ोसियों ने खुद पानी डालकर आग को काबू करने का प्रयास किया, पर आग को बढ़ते देख लोगों ने टाटा मोटर्स के फायर ब्रिगेड को बुलाने का काम किया और 45 मिनट की मशक्कत के बाद लोगों ने घर में लगी आग को बुझाया। हालांकि घर के सभी लोग गांव गए हुए हैं। यहां से लोगों ने घर के लोगों को सूचना दे दी है। वैसे किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। घटना हम लोग धुआं से ही पता चला कि यहाँ आग लग गया है। फिर ये लोग आस पड़ोस के सब हैं, वो लोग दौड़े घर में। ये लोग सब रायपुर गए हुए हैं 3 दिन से। ये शिव शंकर लाल दास का घर है और ये लोग पूरे परिवार रायपुर गए हुए हैं एक फंक्शन में। तो अचानक घर में धुआं हुआ, जैसे लगा कोई शॉर्ट सर्किट। आग फूटने का नहीं था, आग दिखा नहीं, धुआं से ही आग पड़ोस के आदमी लोग दौड़े। फिर हम लोग खबर हुआ, हम लोग फिर देखे, फिर आए, भाई साहब थे बाहर में। नुकसान हुआ है, एक अलमारी है, अलमारी तो लॉक है, उसका चाबी अब आएगी भाभी खुलने से, अलमारी में क्या था नहीं था। और कंप्यूटर है, इन्वर्टर है और घर का सामान जो रहता है वही। टेम्पलेट को चक्कर के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और थाने के हवाले कर दिया। जनको की ओर से आ रहा ट्रक संख्या 7996 ने टिनप्लेट कंपनी के पास एक ऑल्टो कार संख्या JH05AG1050 को अपनी चपेट में ले लिया और घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गया। तब तक राहगीरों ने शोर मचाते हुए ट्रक को रोक लिया और चालक को थाने के हवाले कर दिया। रानी सिंह नामक महिला कार ड्राइव कर रही थी, महिला को हल्की चोटें आई है। हम बिष्टुपुर से तेल को जा रहे थे, बैंक से पैसा उठाए, बैंक से पैसा लेकर हम रिटर्न आ रहे थे। तब तक गोल चक्कर के पास में ट्रक वाला आकर बाएं से मार दिया। उसके बाद ट्रक वाला भागने लगा सर, तो वहाँ पब्लिक लोग थे, हम जनता लोग, उन लोग रुकिए कर गाड़ी साइड कीजिए मैडम, गाड़ी साइड किए तो खुल नहीं रहा था ये डिक्की। फिर वो लोग खोले सर, खोलने के बाद में गाड़ी लेकर भागने लगा, तो हम आगे खड़ा हो गए। तब पूरा पब्लिक लोग जुट गए, बोले कि गाड़ी साइड करो। तब तक पुलिस लोग आ गए, आकर बोले कि थाना लेकर चलिए, तो मैं थाना लेकर आऊँगी। शहर में पड़ रही अत्यधिक गर्मी को ध्यान में रखते हुए शहरवासी घरों में शीतलता लाने की जुगत में भिड़ गए हैं। फ्रिज, एसी और कूलर की शहर में जमकर इन दिनों खरीदारी हो रही है। लू तथा गर्मी से जनजीवन त्रस्त है। गर्म हवा की थपेड़ों से अपने आप को बचाने के लिए लोग प्रयास में भिड़ गए हैं। घरों में फ्रिज, एसी, कूलर आदि की खरीदारी खूब लोग कर रहे हैं। इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकानों में बेतहाशा भीड़ लगी हुई है। कोई फ्रिज तो कोई एसी तो कोई कूलर खरीद रहा है। व्यवसायियों की भी चांदी है और लोग इस भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत निजात पाने की कोशिश में जुट गए हैं। हम लोग तो फ्रिज देखने के लिए आए हैं कि बहुत गर्मी है। बच्चा लोग भी बोलता है कि फ्रिज चाहिए, ठंडा पानी की जरूरत है बोलते। अभी कुछ नहीं, हम तो फ्रिज ही लेने आए हैं, कुछ ऐसा तो कुछ और नहीं देखे। गर्मी बहुत ज्यादा है जिसके चलते बच्चा लोग को भी मैंने प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए लेने के लिए आए हैं। फ्रिज खरीदना बहुत जरूरी है क्योंकि ठंडा पानी बहुत मतलब ज्यादा जरूरी है पीने के लिए ना। अब ऐसे पानी गर्म हो जा रहा है तो पी नहीं सकते हैं गर्म पानी, इसीलिए ठंडा पानी का जरूरत है, इसीलिए फ्रिज। अभी हम एसी देखने आए हैं। हाँ, शहर में तो बहुत गर्मी है अभी, इसीलिए देखते हैं कि हाँ में गर्मी पड़ रहा है, इसलिए बच्चों को राहत के लिए उसको एसी कूलर खरीद रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।